मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक में एक बेहद दिलचस्प बात कह दी। उन्होंने सरकार की स्थिरता को लेकर लगातार किए जा रहे हमलों से परेशान होकर विधायकों से कहा कि क्या मैं मुख्यमंत्री का पद छोड़ दूं? आप ही लोगों ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया है। और अब विपक्ष लगातार हमले करके यह कह रहा है कि सरकार आज गिर जाएगी, सरकार कल गिर जाएगी, सरकार 22 दिन में गिर जाएगी। कोई कह रहा है कि विधायक हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। ऐसे में परेशान होकर कमलनाथ ने विधायकों के सामने अपनी पीड़ा रखते हुए कहा कि अल्पमत की सरकार के नाम से हमें नवाजा जा रहा है, जबकि हमारी सरकार को कभी लूली लंगड़ी कहा जाता है तो कभी अल्पमत की कहा जा रहा है। इस तरह से सरकार के बारे में लगातार जनता को भ्रमित किया जा रहा है और यह अफवाह फैलाई जा रही है कि सरकार तो बस जा रही है, सरकार तो 4 दिनों की मेहमान। कुल मिलाकर कमलनाथ की पीड़ा पूरे उभार के साथ विधायकों के सामने आई। विधायक भी उनकी बातचीत की यह शैली देखकर तंग रह गए। विधायकों ने अपने मुख्यमंत्री से यह कहा कि आप चिंता न करें, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा आप ही लोगों ने मुझे विधायक दल का नेता बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, अब आप ही निर्णय करें कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं यहाँ पद छोड़ दूँ। और इसके साथ ही उन्होंने इस बात सभी को लेकर भी नाराजगी बताई कि लगातार वीडियो चलाए जा रहे हैं, मैसेज भेजे जा रहे हैं कि सरकार तो बस जा रही है। कुल मिलाकर इसके बाद सभी विधायकों ने, जिनमें अन्य दलों के निर्दलीय, सपा, बसपा सभी विधायक शामिल थे, उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा हमें आप पर पूरा भरोसा है, हम सरकार को गिरने नहीं देंगे, आप चाहें तो फ्लोर टेस्ट करा लें और राज्यपाल के यहाँ परेड करने तक के लिए हम तैयार हैं। कुल मिलाकर इससे मुख्यमंत्री कमलनाथ को एक नया आयाम मिला है, एक नई जान मिली है। अब वे दावा कर सकेंगे कि नहीं, उनकी सरकार स्थिर है और वह 5 साल तक काम करेगी। उल्लेखनीय है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, गोपाल भार्गव से लेकर सभी लगातार यह कहते रहे हैं कि किसी भी दिन गिर जाएगी कमलनाथ सरकार। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।